आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली मसाला एग फ्राई की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। मसाला एग फ्राई को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। ये मैंने पैन में डाला है 5 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। तेल से जब अच्छी तरह धुआं निकले तो इसमें डालना है 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट में जो ही गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसमें डालना है स्लाइसेस में कटा हुआ 1 छोटा प्याज। प्याज को भी गोल्डन कलर आने तक ही पकाना है। अब यहाँ पर हमने डालना है 1/2 कप पानी। प्याज को हमने यहाँ पर सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पर डालना है 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सब मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये जो उबले हुए अंडे थे इन पे चाकू के साथ कट्स लगाने हैं। आप फोक के साथ प्रिक भी कर सकते हैं। इस तरह करने से अंडों के अंदर पूरा मसालों का फ्लेवर जाता है। अब अंडों को इस मसाले में मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अंडों को मसाले में उतना पकाना है कि मसाले का कलर अंडों पे आना चाहिए। अब दोनों साइड से अंडों को मसाले में पकाना है। इस तरह करने से पूरा मसाला अंडों पे अच्छी तरह चिपक जाएगा। ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से अंडों पे चिपक गया है और बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। बहुत ही आसान और मज़ेदार मसाला एग फ्राई तैयार। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।